दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के कारण मौजूदा हालात बहुत ख़राब हैं। तालिबानी आतंकियों के आने से वहां बैंकों की हालत और करेंसी की स्थिति को लेकर काफ़ी असमंजस बना हुआ है। ऐसे में हमारे दिमाग में अफगानिस्तान को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अफगानिस्तान में बैंकिंग का इतिहास क्या है? अफगानिस्तान का सेंट्रल बैंक कौन सा है? अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? क्या अफगानिस्तान अपनी करेंसी नोट खुद छापता है या किसी और से छुपवाता है? आज हम इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय पाठक। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान में बैंकिंग शुरू करने का श्रेय जाता है अब्दुल माजिद जाबुली को। अब्दुल माजिद जाबुली को अफगानिस्तान के बैंकिंग सिस्टम का जनक माना जाता है। सन 1932 में उन्होंने द अशामी कंपनी की शुरुआत की थी, जो कि 1933 में बैंक के मिले अफगान यानी BMA हो गया। 1976 में अफगानिस्तान सरकार द्वारा BMA का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। दोस्तों, जिस तरह भारत का सेंट्रल बैंक RBI है, वैसे ही अफगानिस्तान का सेंट्रल बैंक है द अफगानिस्तान बैंक। द अफगानिस्तान बैंक की स्थापना 1939 में हुई और इसका मुख्यालय अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में है। दोस्तों, ये था अफगानिस्तान में बैंकिंग का इतिहास। अब हम बात करेंगे अफगानिस्तान की करेंसी के बारे में। अफगानिस्तान की आधिकारिक मुद्रा है अफगानी। जिस प्रकार भारतीय करेंसी का कोड INR है, वैसे ही अफगानी करेंसी का कोड AFN है। और जैसे एक भारतीय रुपये में 100 पैसे होते हैं, वैसे ही एक अफगानी में 100 पूल होते हैं। पहला अफगानी 1925 में लॉन्च किया गया था, मगर दोस्तों 1925 से पहले अफगानिस्तान की करेंसी भी रुपया ही थी, और इसलिए अभी भी कुछ अफगानी लोग अपने बोलचाल की भाषा में अपनी करेंसी को अफगानी रुपये बोलते हैं। जिस तरह भारत में 54-58 जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, वैसे ही अफगानिस्तान में अमानी शब्द का प्रयोग होता है। एक अमानी 20 अफगानी के बराबर होता है। अफगानिस्तान में करेंसी के नियंत्रण और करेंसी नोट को छापने का जिम्मा अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक द अफगानिस्तान बैंक के पास है। द अफगानिस्तान बैंक ने 1925 से 1993 के बीच 1, 2, 5, 10, 20, 25 के कई सिक्कों की मिंटिंग की। ये सिक्के कांसे, पीतल, तांबा, निकल, अल्मोनियम, चांदी और सोने के होते थे। वहीं जो करेंसी नोट जारी किए गए वो 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 और यहाँ तक कि 10,000 के डिनोमिनेशन के भी थे। 1958 में 2 और 5 के बैंक नोटों के बदले सिक्के जारी किए गए थे। दोस्तों, अफगानिस्तान का सेंट्रल बैंक द अफगानिस्तान बैंक हर 5 साल बाद करेंसी छपवाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अफगानिस्तान की करेंसी अफगानिस्तान में नहीं छपती, बल्कि अफगानिस्तान के बाहर छपती है। 1980 से 2002 तक अफगानिस्तान अपनी करेंसी नोट एक रूसी कंपनी से छपवाती थी, लेकिन अफगानिस्तान में हामिद करजई की सरकार बनने के बाद अफगानिस्तान के करेंसी को छापने का काम बेसिंगस्टोक में स्थित ब्रिटिश कंपनी डी ला रुई PLC को दे दिया गया। यह कंपनी लगभग 140 देशों की करेंसी नोट छापती है। इस कंपनी ने अपना पहला करेंसी नोट बैंक ऑफ मॉरिशस के लिए छापा था। फिलहाल परिस्थिति यह है कि तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक द अफगानिस्तान बैंक को चलाने वाले भाग गए हैं, मगर तालिबानी आतंकवादियों ने बैंक की कमान संभाल ली है। दोस्तों, आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।